के थ्रू, लेंस के थ्रू अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। फोटोग्राफी आज बेहद आगे तक का सफर तय कर चुकी है। शुरुआती बड़े बड़े बॉक्स कैमरों से लेकर आज मोबाइल फोन के कैमरों तक छायाचित्र का क्षेत्र काफी व्यापक और सरल हो गया है। इसकी पूरी वानगी इस आयोजन में मिलती है। पुरानी शैली के कैमरों से लिए गए चित्रों के साथ ही बाद के समय के SLR कैमरों और बाद के ऑटो मोटर कैमरों के साथ ही डिजिटल कैमरों से लिए गए फोटोग्राफ्स भी शामिल हैं। फोटोग्राफी की सबसे बड़ी बात है टाइमिंग। वो पल जो कैमरे में कैद किया गया है उसकी जीवंतता तभी है जब वो अपने सही टाइमिंग पर क्लिक किया जाए। जरा एक नजर इस प्रदर्शनी के चित्रों पर। सबसे पहले बच्चों की मासूमियत पर नजर डालें, पर बच्चों के चित्र अपनी अपनी अभिव्यक्ति में जीवंत बन पड़े हैं। जरा एक नजर अलग अलग पलों को जीते हुए बच्चों पर डाली जाए। लिबास क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, इन सबसे ऊपर बच्चों की उन्मुक्त जिज्ञासा को छायाकारों ने कुशलता के साथ कैमरे में कैद किया है। भारत की सामूहिक संस्कृति को निरूपित करते कई चित्र यहाँ हैं, जिनमें धार्मिक जुलूसों से लेकर साधु संन्यासियों के चित्रों के साथ ही घरों में महिलाओं द्वारा दीवार पर अवसर विशेष के लिए बनाए जाने वाले चित्र और रोली बनाने के भी क्षण हैं। तो पूर्व रेगिस्तान में मीलों रेतीले इलाके में पानी के लिए जाती महिलाओं के चित्र अपनी एक एक बारीक डिटेल्स में काफी जीवंत बन पड़े हैं। यही बात लैंडस्केप छाया चित्रों के बारे में भी कही जा सकती है। कठपुतली नृत्य मेले में और ये ईसाइयों का कब्रिस्तान, कब्रों पर जलती मोमबत्तियां कैसा वातावरण पैदा कर रही है। घाटों पर नहाती महिलाओं की अपनी संस्कृति है कपड़े बदलने की, और इसमें सारी महिलाएं ही पर्दा बनती हैं और बनाती भी हैं। बाजीगरी और शारीरिक संतुलन का खूबसूरत नमूना रस्सी पर एक मेटल रिम पर संतुलन बनाती है लड़की, पेट के लिए कुछ भी करेगा। और ये पहाड़ पर पड़ती लाइट के विविध कोणों से रंग किस तरह बदल जाते हैं। पटल काफी विशाल और व्यापक है। जीवन के विविध क्षेत्रों, सांस्कृतिक पक्षों और भावों को समेटती ये छायाचित्र प्रदर्शनी मात्र एक प्रदर्शनी नहीं है, एक पूरी जिंदगी है, एक यात्रा है विविध उल्लासों, जीवन के उतार चढ़ाव के विभिन्न क्षणों की। अंतर आवाहन भीतरी पुकार, ये किसी भी कला जब उसका रचनात्मक जगत दर्शक के सामने होता है, कलाकार का भीतरी दर्शक के लिए भौतिक दृश्यात्मकता के रूप में आता है। चित्रकार पल्लव कांति मित्रा का चित्रकला कर्म दर्शक से सीधे सीधे जुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिनकी चित्रकला की एकल प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी की कला दीर्घा संख्या 8 में किया गया है। पल्लव जीवन से जुड़े हुए सरोकारों और गतिविधियों में अपने विषयों की तलाश करते हैं, जहां एक कभी खत्म न होने वाली जिजीविषा है जो तमाम अवरोधों और टोक के बावजूद अपनी शिद्दत बनाए रखती है। हमारा जो इच्छा है, जो मन का गभीरता है, जो इनर कलिंग है, ये हम डिपिक करने चाहता हूँ। हम ये चाहता हूँ पेंटिंग्स ऐसे होगा, उसको रंग, उसको बाहर, उसको रेखा, हमारा हृदय का अनुरण ले करके आदमी जो हमारा प्रिय दर्शक है उसको अनुरणित करेगा। हमारा पेंटिंग्स कविता द्वारा उत्साहित तो होता, हमारा पेंटिंग्स में बहुत चिंता के साथ ये चिंता भी आता, एक दिन आएगा जो पेंटिंग को साथ ये पृथ्वी का जो संकट काल वो मोचन करेगा। उनकी श्रृंखला के कुछ शीर्षकों पर नजर डालें।
शिकार श्रृंखला के दो चित्र यहाँ हैं। विषयों का सफेद रंग उनकी निरीहता और शांति का बयान बनता है, तो लाल और नीले रंग के प्रहार चिन्ह आक्रामकता और विषैली सोच के प्रतिभाव हैं। अब जरा इधर स्प्रिंग यानी बसंत पर नजर डालिए, वर्टिकल भाव लिए रंगों का उल्लास है, तो दूसरी ओर रंगों की बेतरतीब सावधानी कैनवस पर पीले रंग से कुछ चेहरे उकेर जाते हैं। बैकड्रॉप में नीला रंग क्षितिज की शीतलता का संकेत देता है, तो लाल और हरे रंग के सुचिंतित पैचेस उन्मुखता के लहलाते भाव को स्थापित करते हैं। मैजिशियन यानी जादूगर माया के साफ दिखाई देते जाल को एक स्वर देता है। नली में दिखाई देती महिला आकृति और ऊपर एक संबद्धता बनाए रखते हुए रूप परिवर्तन का बेहद रोमांचक स्पंदन यहाँ है। द लास्ट जर्नी में जरा रंगों का अलग संयोजन देखिए और पार्श्व में हल्की सी आकृति आत्मा के स्वरूप में स्थापित होती है। और यहाँ ये देखिए चित्रकार ऊर्ध्वगामी सोपान सीढ़ियों को किस तरह नियोजित करता है। सीढ़ियाँ जिनका कोई अंतिम मकान नहीं है, आदमी ऊपर की ओर बढ़ना चाहता है पर वो ऊपर है कहाँ, हर बार ऊपर की ओर और आनंद। मूलतः एक्रिलिक में मूल लाल पीले और नीले रंगों के साथ ही अन्य सहायक रंगों से कैनवस पर विस्तार पाती एक चित्रकलता जो दर्शक को वाकई लुभाती है, चाहे अमूर्त में। We'll be right back.